आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज, निष्पक्ष पत्रकारिता की पहचान, आपकी आवाज का रखे सम्मान। 24 घंटे खबरों का आनंद लेने के लिए देखते रहें डी लाइव न्यूज चैनल। मैं बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक अपनी बेटियों को सहयोग करें और इनको पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं। और सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे पिता और माता को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया, सहयोग किया और मुझे मोटिवेट किया कि बेटा तू पढ़, हम तुम्हारे साथ हैं, तेरे साथ हैं। तो इससे मैं टेंशन फ्री होके पढ़ाई कर सकी प्रॉपरली और इसीलिए मैं आज ये राजकीय सेवा में चले गई हूँ। एक भारत का नौजवान, एक भारत का नौजवान तिरंगे को शुक्र नहीं देता और अपने लड़के लड़कियाँ माँ बाप को अपार तिलक का चरित्र प्यास बुझाने के लिए माँ बाप को नीचा दिखा लेती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप ऐसा काम न कीजिए और सबको यही कहना चाहती हूँ, और ईमानदार बनो, नारी बनो और गुणवान बनो और अपने मन में दिया जला के उजाला कर दो। खटिक समाज का स्नेह मिलन व प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ संपन्न। डूंगरपुर शहर के पुराना बाजार स्थित खटिक समाज के नोहरे में प्रतिभा सम्मान समारोह व दशा माता की प्रसादी का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नाथूजी तेजाजी चौहान, विशिष्ट अतिथि रामचंद्र जी बेराजी खोईवाल, चंपालाल जी मांगीलाल जी डेमारा ने की व अध्यक्षता बबलाल जी बेराजी खोईवाल, अमृतलाल जी केसा जी बलवाड़ा, बल्लू जी नवला जी खोईवाल, कोदर जी कारू जी खोईवाल, शंकर जी वलमा जी डेमारा, केसा जी कुरा जी बलवाड़ा, नारायण जी गंगाराम जी खोईवाल ने की। अतिथियों का साफा व फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। समाज में 56 प्रतिभाओं का प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। समारोह में कमलचंद जी खेमा जी चौहान, केसा जी कुरा जी बलवाड़ा, चंपालाल जी मांगीलाल जी, नाथू जी खेमा जी चौहान व नारायण जी गंगाराम जी आदि ने सामाजिक एकता व कहा कि प्रतिभाओं के बल पर ही समाज आगे बढ़ता है। युवा प्रतिभाओं को आगे जाकर शिक्षा के साथ साथ नवाचार को जीवन में अपनाते हुए समाज के विकास एवं उत्थान में काम करना चाहिए। भारत एक युवाओं का राष्ट्र है, यही भारत की अनमोल संपदा है। कार्यक्रम के पश्चात समाज जनों द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई व 17 अप्रैल रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा में समाज के द्वारा एक बड़ा स्टॉल लगाकर सभी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए ठंडाई पिलाई जाएगी व दशा माता की प्रसादी का समाज जनों द्वारा भोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजू जी जीवाजी चौहान विजयगंज कॉलोनी द्वारा किया गया। स्वागत उद्बोधन कमल जी ने किया व आभार दिनेश मोहन जी ने व्यक्त किया। समारोह में महिलाओं, बच्चों, युवाओं व पुरुषों आदि ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रामचंद्र जी अमराजी से 65.8% बनाए। टीना मोतीलाल जी आकाशवाणी आपने बीएड सेकंड ईयर में 76% बनाए, 76% बनाए। तालियों में बहुत कंजूसी है आपकी। जी कृपया मंच पे बनाए बनाए। इन सभी प्रतिभाओं का लाभ रमेश जी परिवार लोकेंद्र लक्ष्मण जी विजयगंज कॉलोनी बीएसआई बस। हाँ बराबर कंप्लीट।
परसेंट 90% बना है। उपेंद्र बदामीलाल जी चौहान आपने बारहवीं में 44.1% बना है। ये सभी प्रतिभाएं भी सम्मानित हो रही है भाई। फ्रेश की बात कर रहे हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डी लाइव न्यूज़।